मंत्री जी दोषी हैं मानते हैं, मंत्री जी दोषी हैं, देश छोड़कर मंत्री जी भाग नहीं रहे थे, मंत्री जी दोषी हैं मानते हैं, मंत्री जी दोषी हैं। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी ने झारखंड गठबंधन सरकार को झंझोर के रख दिया है। चुनाव के वक्त उनका गिरफ्तार होना सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं उनके गिरफ्तारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की जुबान फिसल गई और उन्होंने आलमगीर आलम को दोषी करार दिया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की गई है और इसका साजिश केंद्र में बैठे सरकार ने रची है। लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बोलते बोलते अपने ही नेता आलमगीर आलम को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी दोषी है तो वो देश छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, मंत्री जी ईडी का सहयोग कर रहे थे। भ्रष्टाचार के हमेशा हम रहे हैं विरोधी, भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है हमेशा। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री आलमगीर साहब सीएलपी लीडर के पीएस के नौकर के आवास से धन पकड़ा जाना और ईडी के समन पर, पहले समन पर उनका उपस्थित होना, दूसरे दिन भी उपस्थित होना, ईडी का सहयोग करना और ऐन चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं से शक की सुई जाती है जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके ऊपर। और मैं ये कहने में थोड़ा भी हिचक मुझे नहीं है कि ये जो गिरफ्तारी है ये राजनीतिक गिरफ्तारी है और केंद्र में जो बैठे हुए आका उनके इशारे पर यह गिरफ्तारी की गई है। नहीं तो जिस तरह से आलमगीर साहब सहयोग कर रहे थे, आज कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, मंत्री हैं, आज चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। अन्यथा चुनाव के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट वैसे लोगों को, आज केजरीवाल साहब देख लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक साधु सिंह जो पंजाब पर प्रांत के मंत्री वर्षों से जेल में बंद थे, उनको इस लोकतंत्र में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया। और वही ईडी आज 15 दिन और इंतजार कर सकती थी। कहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मंत्री के पीएस के नौकर के घर से, और मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस में काम करते हैं, मंत्री जी दोषी हैं मानते हैं, मंत्री जी दोषी हैं तो ये मंत्री जी कहीं देश छोड़कर मंत्री जी भाग नहीं रहे थे, मंत्री जी सहयोग कर रहे थे ईडी का, ईडी पूछताछ के लिए बुलाती, हाँ वो जाने के लिए हमेशा दो दिन बुलाया, दोनों दिन गए, चुनाव के बाद एक तारीख के बाद भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, तो कहीं भाग नहीं जाते, देश नहीं छोड़ देते। इसका पूरा पूरा इससे यह साबित होता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनकी गिरफ्तारी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।